Hey guys, welcome back to the new video. और आज मेरे साथ है योगेश। हेलो, कैसे हो सारे? तो योगेश की बाइक कराई है हम लोगों ने रैप, जो कि हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा, ये रही बाइक, ये रही बस, बहुत तेज चल रही है। तो ये है बाइक, पूरी रैप कराई है और रैपिंग में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया है, कितना खर्चा है, सब कुछ हम लोग आज चैनल वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, योगेश के चैनल को चेकआउट कर लेना, मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लेना और ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। अपनी ब्लॉग चैनल भी चेकआउट कर लेना, डेली ब्लॉगिंग आती रहती है कुछ ना कुछ। और बाइक अगर ये वाली और देखनी है तो हमारे चैनल पे जाइए, थिंकर योगेश व्लॉग, ये बाइक रिलेटेड और वीडियो मिल जाएंगे आपको। पता चल गया ना, राइडिंग रिलेटेड, बाइक रिलेटेड, लाइफ स्टाइल रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो योगेश क्या क्या कराया और मतलब क्यों माइंड में ऐसा आ गया कि बाइक मॉडिफाई करानी? ऐसा मॉडिफाई कराने का तो मतलब ये मॉडिफाई तो थी, ये हैंडल गार्ड जो लगे हुए ऐसे एक लगे हुए थे पहले, पर वो थोड़े लो क्वालिटी के थे, अच्छे नहीं थे, वो ख़राब भी हो गए थे। बाकी मॉडिफिकेशन में जो चीज़ें सिंपल थी वो मैंने करा रखी थी। इसमें प्लस टायर एक डलाया हुआ था, ये लगवाए हुए थे, आफ्टर मार्केट इंडिकेटर आगे पीछे दोनों में लगाए हुए थे और ये वाइज़र लगाया हुआ था। इतना मॉडिफिकेशन मैंने इसमें पहले से ही करा के रखा था, लेकिन अभी इसको रैप कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये गाड़ी को लगभग मतलब 2015 का मॉडल है, ये 2015 से लेके 16 17 18 19 20 21 और 22 अभी आने वाला है। 22 में जुलाई को इसको 7 साल पूरे हो जाएंगे इस गाड़ी को, अभी 6.5 साल हो गए। तो भाई साहब 6.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल है और 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, राइडिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी को थोड़ा ज़रूरत थी कि थोड़ा चमका दिया जाए, तो वही इसलिए हमने इसमें रैप वगैरह करवाया है और चेंजेस वगैरह किए ताकि अभी अच्छा लुक आए। अभी कोई देखेगा तो ऐसा दो मिनट के लिए तो ऐसा सोचेगा कि शायद से अपाचे ने कोई न्यू वेरियंट लॉन्च कर दिया है, एक पल के लिए वो ऐसा ज़रूर सोचेगा ये कोई नया वेरिएंट आया है। बाद में उसको धीरे से जब वो खड़े होकर देखेगा तभी उसको समझ में आएगा कि हाँ आफ्टर मार्केट काम कराया है इसमें। तो आइडिया कैसे आया कि मतलब इसी तरीके से रैप करानी है? सर मैंने कावासाकी Z800 का एक वीडियो देखा था और एक फ़ोटो देखा था, वो कैसी थी कि ये वाला जो थीम आप देख रहे हो ना, ये वाला पूरा का पूरा थीम उस गाड़ी में पूरा था और वो गाड़ी ब्लैक थी। तो मैंने सोचा ये कलर ब्लैक के साथ जा रहा है, ग्रे के साथ जाएगा कि नहीं, तो फिर देखा तो ग्रे के साथ भी जा रहा था, तो मैंने फिर ये इतना कराया और उसके बाद में ये जो थीम है ये तो अपने बाद में किया है। ठीक है, तो कितना खर्चा आया, वो क्या क्या प्राइस है, क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं बताना? अभी जो कराया उसका, हाँ तो अभी ये सब खरीद के या फिर सिर्फ रैप रैप का खर्चा? नहीं, सब पूरा खरीदा हुआ, रैपिंग का, रैप वैप का तो सब 2500 में हो गया और बाकी 1800 का ये सारा सामान था, ये खरीदे मैंने, आफ्टर मार्केट इंडिकेटर खरीदे, ये चीज़ खरीदी है और बाकी जो भी है मतलब जो चीज़ें खरीद ली है वो 1800 की आई है और उसके अलावा रैप 2500, रैप 2500 का हो गया है ना। कितना किलोमीटर चला चुकी गाड़ी? 50,000 के ऊपर चल गई है, 50,000 के ऊपर चल गई है, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया था, बहुत सही रेट में हो गया। और ये सब टैंक पैड वगैरह भी एकदम पूरा मैचिंग लग रहा है, ब्लू कलर में है यहाँ पर, बाकी देख ही सकते हैं। हजार्ड वगैरह भी लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, अभी थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन बाकी है जो कि यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगना है, राइट, काफ़ी कुछ इसमें बाकी है। अभी इसमें एक टायर भी, एक ऐसी खासियत है इसमें, प्लस टायर साइज है इसमें, जो टायर का साइज़ है ना वो एक एक्स्ट्रा बड़ा है, बाकी अपाचे का टायर इतना चौड़ा आता नहीं है इस वाले में, ये फिट कराया गया है, मैंने एक एक्स्ट्रा टायर डाला जो कि नॉर्मली फिट हो जाता है। इसका नंबर देख, 140 होगा, ये 120/80/70 है। अच्छा, 120/80/70 है, हाँ 70 ये वाला टायर इसमें डाला है और शायद इसमें एक कम वाला आता है वो नहीं डाला, एक ज़्यादा वाला साइज़ इसमें डाल दिया, वो इसलिए डाला है ताकि इसका पीछे से गाड़ी का पतला सा लुक लगता है ना, तो वो नॉर्मल अपने जैसे गाड़ी होती है सिंपल गाड़ी वैसा लुक देती है वो, पर ये डाल दिया ना इसकी वजह से थोड़ा अच्छा आता है पीछे से देखने में। नाइस, काफ़ी सही लग रही है, यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया है, यहाँ पर थिंकर योगेश लिखवा दिया, ये बॉर्डरिंग की है इसके अंदर, यहाँ पर भी लाइनिंग वगैरह की, ये नए लगाए हैं अपाचे के, ये अभी एक और चेंज करना बाकी है ये, क्योंकि ये ख़राब हो गया मेरा, यहाँ पे वो लगे हुए होते हैं, अब आने लगते हैं। बोल तो अभी ये अपने ने एक ये चार्जिंग वाला मैंने लगाया हुआ है इसमें, तो ये तो ख़राब हो गया, इसका USB भी ख़राब हो गया और ये मतलब अभी वर्क भी नहीं करता, इसमें फ़ोन भी नहीं टिकता, तो ये एक चीज़ ऐसी है जो मेरे को नई डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम टूर वगैरह करते हैं तो मैप वगैरह देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ को अभी चेंज करना रह गया, इसको भी एक दो दिन में चेंज करूँगा अभी मैं। राइट, तो फ्रंट लुक ऐसा है, यहाँ पर भी ये चेंज कराया है, इसको रैपिंग कराया है और ये वाइज़र ऐसा नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट वाइज़र इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट होता है और आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, उसके नीचे नॉर्मल स्टॉक वाइज़र लगा हुआ है। तो फ्रंट में लुक ऐसा दिख जाता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ब्लू पट्टी करा दी, यहाँ पर ब्लू करा दिया, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ था जो कि आप करा सकते हो ऑलरेडी, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स कर रखे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी नीचे थोड़ा सा एक नियॉन रैप या ब्लू रैप करा दी तो अगर गाड़ी चलेगी तो काफ़ी अच्छा लुक दे गया।
लेकिन नेक्स्ट टाइम वो अपना कर लेंगे। बाकी तो बहुत ही सही लग रही है, बाकी आप कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है बाइक। बाकी एग्जॉस्ट एक बार सुन लो, एग्जॉस्ट में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन आए हो एग्जॉस्ट सिंपल ही रखने का, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा गाड़ी चलने के। तो गाइज ये था वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और कहाँ से कराया था रैप? नागरवाड़ा वडोदरा में ऐसे जगह है, वहाँ से कराया। तो नागरवाड़ा में बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं टिकरिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, काम थोड़ा ज़्यादा वगैरह खरीदने हो तो वडोदरा से देख रहे हो तो जुबली बाग करके जगह है, वहाँ से आप पार्ट्स वगैरह खरीद सकते हो, वहाँ से ले सकते हो या फिर ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट जिंदाबाद। हाँ तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।